आरजेडी का विरोध भी कोई ऐसा विरोध नहीं है जिसको लेकर बहुत गंभीर हुआ जाए। आरजेडी का कहना है कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनका भी शेयर बढ़ाया जाए, क्योंकि आबादी के अनुरूप में लगभग 60% आबादी पिछड़ों की है और मिल रहा है सिर्फ 27%। तो एक तरह से पिछड़ों के साथ यह अन्याय है, इस अन्याय को भी दूर किया जाए। और इसीलिए आरजेडी भी और हम लोगों ने भी कहा है कि जितनी जिसकी आबादी है, जो जातीय जनगणना हुई है उसकी रिपोर्ट प्रकाशित कर दीजिए, और जितनी जिसकी आबादी है, अति पिछड़ा भाई की जितनी आबादी है, पिछड़ा भाई की जितनी आबादी है, या SC ST वर्ग के लोगों को भी की भी जितनी आबादी है, उनको आबादी के हिसाब से दे दीजिए, और बाकी जो ऊंची जाति के लोग हैं उनको भी उनकी आबादी के हिसाब से दे दीजिए। तो इसमें आरजेडी की बात और हम लोगों की बात में कोई अंतर विरोध नहीं है। नीतीश जी दिखावा के लिए शालीनता रखते हैं, अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं, और जब गुस्सा में आदमी होता है, विवेक तब अपना खो देता है, उस समय असलियत उसकी बाहर आने लगती है। आज नीतीश कुमार जी के साथ यही हो रहा है, नीतीश जी बौखला गए हैं, अब राजनीतिक जमीन उनकी पूर्णतः खिसक चुकी है, परिणाम क्या आने वाला है उसको मालूम हो गया है, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। कभी उपेंद्र कुशवाहा को नीच कह देना, कभी अति पिछड़ा समाज से आने वाले मुकेश सहनी को सड़क छाप कह देना, नीतीश कुमार जी का यह व्यवहार पूर्णतः आपत्तिजनक है। अब जिसको नीतीश कुमार जी ने कहा कि सड़क छाप है, वही लोग मिलकर नीतीश जी को सड़क पर अब लाने का काम करेंगे, अब परिणाम बताएगा। कौन कितनी सीट मांग रहा है, बात कहां सिर्फ आप लोगों के बीच है, हवा में है, कोई ऐसा नहीं है कि कौन कितनी सीट मांग रहा है। जहां हम लोग तय करने वाले हैं, बैठकर तय करेंगे, और लगभग बातें तय भी हो चुकी है, थोड़ा सा मामला बच गया है जो तय हो जाएगा, और 14 तारीख के बाद इसकी घोषणा। यूट्यूब चैनल की दुनिया में सबसे तेजी से उभरता नाम अजय भारत। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।